Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं आपको सिखाऊंगी क्रीमी साबूदाना घर पे आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और एक अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। आप इसको घर पे बनाइए और बच्चों को बना के दीजिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बेहद मुफीद है साबूदाना, जो जिस्म को तवानाई फराहम करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, एक अहम ज़रिया है ये कार्बोहाइड्रेट हासिल करने का। साबूदाना में प्रोटीन भी होता है, इसको दूध में पकाने से इसके गज़ायत में इजाफा हो जाता है और ये एक जूद हज़म गज़ा है। तो चलिए देख लेते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्रीमी साबूदाना खीर बनाने के लिए हाफ कप लिए मैंने साबूदाना। इसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको। आप देख सकते हैं काफ़ी फूल चुका है ये। 3 टेबल स्पून लिए हैं यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क, 5 से 6 पीस लिए पिस्ते के और 5 से 6 पीस लिए हैं बादाम के। 1 टेबल स्पून लिए डेसिकेटेड कोकोनट, 2 पीस लिए मैंने इलायची के। 100 ml लेंगे क्रीम, 1 गिलास लिया है पानी का और 3 गिलास लिए हैं दूध के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंगे जिसमें हमने इसको पकाना है, आपने जो है हैवी बॉटम जो है पॉट लेना है ताकि ये नीचे से लगे ना। इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास और साथ ही जो भीगा हुआ साबूदाना है इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको 5 मिनट देंगे पकने के लिए ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और ये थोड़ा सा इसका स्टिकी सा टेक्सचर होता है तो ये इसमें काफ़ी स्टिकीनेस आ जाएगी पकने के बाद। अब इसको पकने के लिए रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसकी पहचान ये है पकने की कि ये अपना कलर चेंज कर देता है, वाइट कलर के होते हैं ये, ट्रांसपेरेंट कलर में चेंज हो जाते हैं पकने के बाद। ये देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसी स्टेज पे इसके अंदर इलायची डाल देंगे, सब्ज़ इलायची। आप चाहे तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें दूध डाल देंगे। दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लम्स नहीं बनाने हैं। 7-7 चम्मच हिलाते जाएँगे और इसको दूध को डालते जाएँगे और 15 मिनट इसको पकाएँगे। दूध डालने के बाद हल्की आंच पे 7-7 चम्मच जो है अपने हिलाते जाना है। अब इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी सा हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये दूध में भी आपको ट्रांसपेरेंट ही नज़र आ रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, 7-7 चम्मच हिलाते जाएँगे। ये देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा इसका टेक्सचर है दूध में भी। अब इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। आप चाहे तो चीनी या फिर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कंडेंस मिल्क की जगह। अगर आपने इसको ब्रेकफास्ट में खाना है तो आप कंडेंस मिल्क को स्किप कर सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं या फिर आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेक्सचर बनता है। मैंने कंडेंस मिल्क इसमें इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि इसका जो टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए और क्रीमी सा हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह पे कंडेंस मिल्क जो है इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बादाम डाल देंगे थोड़े से और थोड़े से पिस्ते डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हैं पर मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं इसलिए इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है कोकोनट का डाल देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा सिर्फ टेक्सचर के लिए डालेंगे। बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट हो जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। यहाँ पे ये केवड़ा वाटर है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसके सिर्फ 3 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे, उसका टेस्ट जो है बिल्कुल बाजार जैसी खीर के जैसा हो जाएगा। बहुत ही मज़े की बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसमें क्रीम डाल देंगे, 100 ml क्रीम डालेंगे इसमें
अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए क्रीम और मिक्स हो जाए। ठंडी होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसको आप ऐसे मर्जी खा सकते हैं। या फिर आप इसको बाउल में निकाल लेंगे, आप इसको ऐसे बाउल में निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही निकाल रही हूँ अभी, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है। मैं इसको ऐसे ही सर्व, अब इसके ऊपर जो है गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, थोड़े से पिस्ते बादाम डाल के इसको सर्व करेंगे। अब इसको चाहे तो इसी स्टेज पे इसको फ्रिज में रख सकते हैं और इसको ठंडा करके खा सकते हैं या फिर गर्म भी खा सकते हैं, दोनों स्टेज में अच्छी लगती है। ये तैयार है मज़ेदार क्रीमी साबूदाना खीर, बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने आपको बताया कैसे आप इसको क्रीमी बना सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मुफीद और हेल्दी रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में बना के खाएं या फिर आप इसको एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं, किसी मेहमान के आने के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं ऐसे सेम मेथड फॉलो करते हुए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी कई रेसिपीज़ हैं साबूदाने की, साबूदाना ड्रिंक, साबूदाना खिचड़ी, तो आप, मैं इसको ज़रूर सिखाऊँगी आपको। कोई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।